नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आप सभी जानते हैं कि हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के पहले जब उनके कई इंटरव्यूज हुए, उस इंटरव्यूज में उन्होंने कांग्रेस के बारे में कई बातें कही, तो वही बीजेपी को लेकर भी कई ऐसी बातें बताई जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसी बीच हार्दिक अपने परिवार के भाजपा से जुड़े होने की भी बात बताई। हार्दिक ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरे पिताजी भाजपा से जुड़े हुए थे। मंडल अब आनंदीबेन पटेल चुनाव लड़ती थी तो अक्सर वे हमारे घर आया करती थी। उस समय हमारे परिवार का सब सिरबल पंप का व्यापार था। हमारे परिवार में जीप थी जिस पर बैठकर आनंदीबेन पटेल चुनाव प्रचार करने जाती थी। पापा का रिश्ता भाजपा से था, इस वजह से आपने देखा होगा कि मैं पाटीदार आंदोलन के दौरान आनंदीबेन पटेल को बुआ कहकर संबोधित करता था। हार्दिक ने बताया कि कोरोना के दौरान जब उनके पिता का निधन हो गया था तो कोई भी गुजरात कांग्रेस से बड़ा नेता उनसे मिलने नहीं आया। जिन लोगों की खातिर हम लड़े लेकिन दुख के समय कोई भागीदार बनने नहीं आया, उस घटना ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। हार्दिक ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि पार्टी नहीं चाहती कि पटेल समाज के नेता मजबूती से पार्टी के आगे अंदर बढ़े। मजबूत लोगों को पार्टी से हटाने का कार्य किया जा रहा है। मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, राहुल गांधी को पता था कि हार्दिक को गुजरात कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप परेशान कर रही है। वे गुजरात में 6 घंटे के लिए रैली करने आए तो क्या 5 मिनट के लिए मुझसे मिल नहीं सकते थे? अपने इस्तीफे के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने कांग्रेस में किसी पद के लिए इस्तीफा नहीं दिया। मैं सीनियर लीडरशिप के बार बार जाकर कह रहा था कि आप मुझे काम दीजिए और मेरी जिम्मेदारी तय कीजिए। मैं कोई यहाँ सिद्धू बनने नहीं आया हूँ। अब इसी बीच हार्दिक पटेल जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब बीजेपी में उन्होंने अपनी सदस्यता जो है वो ग्रहण कर ली है और अब बड़ी जिम्मेदारी के लिए भी तैयार हो गए हैं और इसी के साथ उन्होंने जिम्मेदारी लेनी भी शुरू कर दी है और फिर से हर 10 दिन में एक नया कार्य करने की भी शुरुआत वो कर रहे हैं। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।